पापं दीपज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा। देश बुद्धि विनाशाय ज्योतिर् नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। सांस को छोड़ते हुए दाएं पैर को उठा के बाएं जंघा के अंदरूनी भाग में रखें और सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाकर नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं और सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें और सांस भरते हुए टांग को नीचे कर लें। अब इसी प्रक्रिया को विपरीत दिशा से दोहराएंगे। बनाए रखें। अगला आसन पांच रहती है, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। दाएं हाथ की हथेलियां दाएं कंधे पे हो और बाएं हाथ की हथेलियां बाएं कंधे पे हो और आपके दोनों हाथों की कोहनियां सामने की तरफ लेके आए। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों कोहनियों को चक्राकार घुमाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लेकर आएंगे। और इस प्रक्रिया को लेकर वापस आ जाए और एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें। दोनों भुजाओं को कंधे के सीध करें। कमर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और इसी की बात और प्रतिस्पर्धा के जीवन में हर वर्ग हर आयु में तनाव का होना स्वाभाविक है, परंतु इस तनाव को कितनी सहजता कितनी सरलता से सामना किया जाए ये हमारे स्वयं के नियंत्रण में है। तो हमारा नियंत्रण हमारे खुद के मानसिक भावनात्मक नियंत्रण पर निर्भर करता है, जो सिर्फ योग के माध्यम से ही पाया जा सकता है। तो मजबूत को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न योग अभ्यास इस प्रकार है: अर्धकर्णी चक्रासन, भुजंगासन, वृक्षासन, शवासन, बालासन, चक्षाकासन, आवासन क्रिया, पंचभुजासन। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और सघन प्राणायाम। अतः इस लेख के अंत में यह कहना बिल्कुल सत्य है कि आरामदायक जीवन शैली के इस युग में हृदय रोग जैसी बीमारियों दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्वस्थ समृद्ध प्रसन्न जीवन शैली के लिए अपने दिनचर्या में योग का नियमित अभ्यास आनंद की शत प्रतिशत गारंटी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस चीज का एक प्रतिष्ठा बन चुकी है कि हमारी जो सभ्यता भारतीय सभ्यता इतने हजारों सालों से बिताने के लिए कोई दिन नहीं था, लेकिन पिछले 5 सालों से हम एक दिन 21 जून को मनाते हैं और उसमें योगा करते हैं और योगा के बारे में सारे दुनिया को बताते हैं इसकी इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। और मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि हम योगा करें और योगा के महत्व के बारे में अपने बच्चों को बताएं, अपनी जनता को बताएं। योगा एक दिनचर्या का अगर एक हिस्सा बन जाता है तो हमारी आधी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएंगी। हमारे देश की प्रगति के लिए योगा का बहुत महत्व है, वो इसलिए कि योगा से जो हमारे जो डिजीज बर्डन है, जो हमारे जो बीमारियाँ की वजह से जो खर्चा होता है वो कम हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं योगा करने से वो होती ही नहीं है और जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो योगा करने से ठीक हो जाती हैं। तो मैं इसमें हमारी जो डॉक्टर साहब हैं,
इनका भगवान साहब का बहुत योगदान रहा। दो तीन दिन पहले मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि हम हर साल योगा दिवस मनाते हैं कठुआ में। मैंने इससे कहा इस साल भी योगा दिवस मनाएंगे और अच्छे तरीके से मनाएंगे। तो इनकी मैं सुप्रीकाल से तैयारी में जुटे हुए हैं। इनके साथ हमारे एशिया साहब भी थे, नोडल ऑफिसर थे दोनों। इन्होंने काफी मेहनत से यहाँ पे पानी का इंतजाम किया, टीचर्स का इंतजाम किया, कुछ हमारे लिए स्पीकर वगैरह इंतजाम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। और काफी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो खुद सामने आए मेरी टीम ने कि सर हम खुद आएंगे, हमारे जो लोग हैं वो आएंगे, वो मेरे तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आप सबका मीडिया के भाई बहन थैंक यू करता हूँ सुबह सुबह आए और हमारे इस मैसेज को जो हम योगा दिवस मना के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, योगा के इम्पोर्टेंस को हम घर घर तक लेके जाना चाहते हैं, उसके हमारे मैसेज को हेल्प कर रहे हैं। मैं सारे सबसे थैंक यू करता हूँ कि योगा दिवस में पार्टिसिपेट किया और आप सबसे उम्मीद करूँगा कि आप रोज इस ग्राउंड पर बैठे रहेंगे, सुबह आके योगा करेंगे और यहाँ भी आपको स्पेस है उसमें योगा किया करेंगे। थैंक यू।